नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। देवघर से दिल्ली की फ्लाइट का टाइम टेबल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो ने फीड कर दिया है देवघर एयरपोर्ट को। टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी टिकट में अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, गोड्डा के सांसद, उन्होंने ट्विटर पर जानकारी दी है कि जो टाइम टेबल है दिल्ली से देवघर, देवघर से दिल्ली का, वो आ गया है। हो सकता है उनको एक्सक्लूसिव जानकारी हो, लेकिन अभी भी वेबसाइट पर या ऐप में इंडिगो के वो नज़र नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिर नज़र क्या आ रहा है। तो नज़र यही है कि अगर निशिकांत दुबे की माने तो दिल्ली की फ़्लाइट का टाइम टेबल तय हो गया है। इंडिगो उड़ाएगी फ़्लाइट और इंडिगो जो है वो 1 बजे दिल्ली से उसकी पहली फ़्लाइट होगी। एक ही फ़्लाइट अभी जानकारी आई है, दिल्ली से 1 बजे दोपहर में होगी और देवघर से 3:25 पर होगी। तो निशिकांत दुबे ने ये जानकारी, खुशखबरी दी है देवघर वासियों को, संथाल परगना वासियों को, पूरे पूर्वी बिहार वासियों को कि ये खुशखबरी आ गई है, इंडिगो की फ़्लाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात, मात्र 1 घंटा 45 मिनट में आप दिल्ली से देवघर की यात्रा कर सकेंगे और प्रत्येक दिन दिल्ली से इंडिगो का विमान 1 बजे दिल्ली से चलकर दोपहर 2:45 में देवघर पहुंचेगा और देवघर से यही विमान 3:25 से उड़ान भरेगा और शाम 5 बजे तक आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये उन्होंने ये जानकारी दी है निशिकांत दुबे ने। जाहिर सी बात है, अगर उनको ये जानकारी है तो इनको हाई सोर्सेस से पता चल गया होगा कि ये टाइम टेबल रहेगा। लेकिन हमने भी पड़ताल की इंडिगो की वेबसाइट और ऐप में जा कर के कि क्या टिकट बुकिंग शुरू हुई है, क्या इस तरह का कोई टाइम टेबल है, तो उसमें क्या निकल कर आया वो आपको हम बता देते हैं। उसमें जो है वो कोड जो है फीड कर दिया गया है। जैसे आप ऐप में अगर देखेंगे इंडिगो के बुकिंग ऐप में तो DGH जो है वो साफ साफ दिख रहा है, देवघर का इसमें नाम दिख रहा है, पहली बार DGH इसमें आ गया है। लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट सिर्फ नज़र आ रही है, वो भी 14 तारीख को, और दिल्ली से आप देवघर से दिल्ली का किराया 11,369 दिखा रहा है। थर्सडे यानी 14 जुलाई को 4:35 पर यह फ़्लाइट होगी और रात 9:25 पर पहुंचा देगी। और ये जो है वो ATR है, 6E7946 ATR, यानी कि छोटा विमान है, संभवतः 40-60 सीटर विमान होगा। और ये दिखा रहा है देवघर से कोलकाता, यानी ये फ़्लाइट कोलकाता जाएगी, फिर कोलकाता में आपको 1 घंटा 20 मिनट का वहाँ पर समय दिया जाएगा, वहाँ पर एयरक्राफ्ट का बदलाव होगा, फिर वहाँ से आप दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये 7:10 पर आप कोलकाता से उड़ान भरेंगे और फिर 9:25 पर आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो ये अभी जो फीड दिखा रहा है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट का है, डायरेक्ट फ़्लाइट का नहीं दिखा रहा है, ना ही 12 का, ना 13 का, ना 14 का। 14 का अगर आप देख रहे हैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट दिखाएगा, वो भी वेबसाइट में जा कर के दिखाएगा, इंडिगो की वेबसाइट में, ऐप में नज़र नहीं आएगा। हो सकता है कि आज कल में या 102 दिन में ये अपडेट कर दे चीज़ों को, क्योंकि ये कहा ही जा रहा था कि इस हफ्ते, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ये इस तरह की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बुकिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो बुकिंग जो है, टाइम टेबल तो पता चल रहा है डॉक्टर निशिकांत दुबे के थ्रू, लेकिन अभी ऑफिशियली इंडिगो के वेबसाइट पर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि डायरेक्ट फ़्लाइट है, उसका टाइम टेबल क्या है और आने जाने का क्या टाइम टेबल है। बुकिंग अभी तक अगर चालू भी हुई है तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट ATR की है, जो 14 तारीख की दिखा रहा है। आज की डेट के हिसाब से अगर बात करें, यानी 1 जुलाई की बात करें, तो हो सकता है 2 जुलाई या 3 जुलाई में ये चीज़ें परिवर्तित हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो खुशखबरी ये है कि DGH जो है वो दिखने लगा, देवघर एयरपोर्ट अब का नाम जो है वो एविएशन मैप पर आ गया है, इंडिया के एविएशन मैप पर, भारत के मानचित्र पर आ गया है। ये बहुत खुशखबरी है, इस सावन मास में जो है यहाँ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और संभवतः जो एक फ़्लाइट का टाइम टेबल आया है उस आधार पर ये कह सकते हैं कि दिल्ली की अब यात्रा इस पूरे इलाके के लिए बहुत आसान होने जा रही है और 1 घंटा 45 मिनट में आप यात्रा कर पाएंगे दिल्ली से। तो निश्चित रूप से ये किसी सौगात से कम नहीं है इस पूरे इलाके के लिए। तो 12 तारीख का लोगों को इंतज़ार है, जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ के लोगों को, पूरे संथाल परगना को, झारखंड को एक बड़ा तोहफा देंगे और जिसका लाभ पूर्वी बिहार के लोग भी उठा पाएंगे, खास करके जो भागलपुर के लोग हैं
जो 100-150 किलोमीटर के रेंज में है वो इसका लाभ जरूर उठा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।